पूरा ऑफ रोडिंग है भाई, रोड क्या एकदम ही ऑफ रोडिंग। हम छोटा सा गांव में घुस चुके हैं, अब ये छोटा छोटा रोड है, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ कर्नाटका। अब पता नहीं ब्यूटी है या फिर ये छोटे छोटे खड्डे हैं। एक भी गाड़ी नहीं आ रहा है सामने से। अरे ये क्या छोटो, वो देख के ज्यादा डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इस रोड पे, सुनसान जंगल है बस। जो भी है खुला दिख रहा है क्या? तो है वो है, हाँ छुपाने का कुछ नहीं क्या? वो रेशमा कड़ी है उधर। ओम प्रकाश जी तो सब कुछ बेच के सो गए भैया, रोक रहे हैं आज से ही। वो डंडा नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, ग्रीन ही रहता है, डंडा नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। बोलो चंद्रयान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली ना बहुत दिन से प्लान बना रहे थे, कुछ प्लान ही नहीं बन रहा था और कहीं जाने का मन हो रहा था, तो अब ना हम जा रहे हैं गोकर्ण और मुर्डेश्वरा। तो कल बैठे बैठे प्लान बनाया कि चलो यार चलते हैं गोकर्ण और मुर्डेश्वरा, तो दो तीन भाई लोगों को फोन किया तो सब लोग रेडी हो गए। अब कौन कौन है साथ में वो तो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा, और आगे कहाँ जा रहे हैं और कैसा रहेगा सीन वो भी आपको पता चल जाएगा आगे व्लॉग में। तो चलो शुरू करते हैं। गोकर्ण का डिस्टेंस बैंगलोर से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है, उसके लिए हमने सेलेक्ट किया NH-48 जो कि तुमकुर सीरा चित्रदुर्ग होते हुए हुबली जाता है। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर के लिए हम लोग थे NH-48 पे। वहाँ से जस्ट हुबली से 50 किलोमीटर पहले हमने लिया लेफ्ट जो कि येलापुर घाट सेक्शन, जिसको हम वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका बोलते हैं, उसके थ्रू हम पहुँचे गोकर्ण। तो चलो शुरू करते हैं बैंगलोर से गोकर्ण की हमारी जर्नी। भाई देखो अपना वाला लद्दाख आ गया, पहले तो ये क्रॉस करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर से लेना है किधर से नहीं लेना है। चलो भाई शुरू करते हैं अपना ट्रिप। बोलो श्री भोले शंकर की जय हो। ओम जी को कुछ ज्यादा ही जोश है भाई। ट्रिप का सबसे पहला काम लबालब करवा लेते हैं भाई गाड़ी को, फिर अपना देखेंगे। सबसे पहले गाड़ी, हाँ डीजल पूरा लबालब ऊपर तक कर दो। डीजल। ओ भाई ट्रिप का शुरू करते ही ना ऐसा कुछ हो गया है भाई, ये कैसे कर दिया समझ में। ट्रक वाले का बड़ा गलती है, वो देखा नहीं लेफ्ट साइड में घुसा दिया अंदर, अब इतना पीछे गाड़ी है, अब पता नहीं कहाँ घुसा रहा था भाई। 3000 रुपए का आ गया है, लबालब हो गई है 34 लीटर। क्लास वगैरह क्लीन कर देते हैं क्योंकि दिखना सही चाहिए भाई, सही दिखेगा तो हम सही चलेंगे भाई। अपना ग्रुप ऐसा है ना, घर के पास वाला पेट्रोल पंप पे रील्स फोटो वगैरह खींचना शुरू कर दिया भाई, आधा घंटा लगा दिया उधर ही। क्या करते यार तुम लोग, ऐसे क्यों करते हो? अब जो हकीकत है बता रहा हूँ ना भाई, शीशा इतना मस्कुलिन हुआ है ना, जबरदस्त चमक रहा है। घर से निकलते ही ना पहला टोल प्लाजा आ जाता है, और बहुत बड़ा लेता है यार, यहाँ पे लंबा काटता है 100-130 रुपए काटता है यहाँ पे 20-25 किलोमीटर के। चलो काट लो भाई आप भी। अपना डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है और गूगल माता लगभग 9-10 घंटे के आसपास दिखा रही है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कैसा कुछ रहने वाला है क्योंकि मौसम भी पता नहीं खराब, सुन रहे हैं यार कि बारिश हो रहा है, अब देखते हैं अपने किस्मत के ऊपर है भाई। ये क्या है किसी को पता है तो बताओ यार, मेरे को भी कुछ नया ही आइटम लग रहा है भाई। हाई राइडर मस्त लगती है भाई, गाड़ी देखने में अच्छी है लेकिन ये टोयोटा मारुति का जो खेल चल रहा है ना वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये लोग तो फॉर्चुनर ही निकालने को लगे अभी सुजुकी में। मारुति वाला क्या बोला, सो बोल रहा है कि मैं इतना गाड़ी दिया हूँ मेरे को एक फॉर्चुनर दे। अब बस हो गया। तो भाई हमारे साथ है श्याम सुंदर जी, देखो आज ही कटिंग वटिंग करा के एकदम हीरो बन के आए हैं। 2 किलो वजन कम किया, ऊपर का पूरा निकाल दिया, तो एकदम चमक रहे हो यार सच में। और बाकी मनीष भाई तो पता ही है ना, हमेशा एकदम स्टैंडर्ड रेडी रहते हैं, हम तो कुछ भी पहन के आ जाते हैं लेकिन मनीष भाई है ना परफेक्ट रहते हैं एकदम। दो बज चुके हैं और हमने कवर कर लिया 200 किलोमीटर, तो भाई चित्रदुर्ग पहुंच गए हैं। अभी हम लोग हैं चित्रदुर्ग बाईपास पे, और यहाँ पे ना अगर दिन के टाइम में आप जाते हो ना तो क्या गजब का नजारा आता है भाई, जो साइड का व्यू है और रोड भी इतना सुंदर बनाया हुआ है ना, ये बाईपास अमेजिंग है भाई। दिन के टाइम में कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ से निकलो, हम तो आने के टाइम में देखेंगे, दिन के टाइम में निकल के यहाँ से दिन के टाइम में ही निकलेंगे। भैया हो गया? नहीं हुआ भैया, रोक रहे आज से ही। वो डंडा नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, ग्रीन ही रहता है, डंडा नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। ग्रीन आई तो भैया बोले रोको रोको, हो गया अभी, रुकना है तो रुक जाते हैं, हमको क्या है। अभी जाके राणे बनू टोल पे पहुंचे यार, 3 बजे और भूख लग गई है 3 बजे।
यहाँ पे कुछ देखा था तो चिप्स वगैरह ले लिया है, थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं यार, यहाँ पे रुकते हैं, अभी टाइम है यार, बहुत आराम से पहुँचना है। हुबली भी ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हुबली से पहले ही अपन को लेफ्ट लेना है, तो 5 बजे तक लेफ्ट ले लेंगे। फिर अंदर का रास्ता कैसा है वो तो नया है हमारे लिए, तो सुबह सुबह ही जाएंगे भाई, रात में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। बारिश है ना अपना पीछा ही नहीं छोड़ रही है, जब भी ट्रिप पे निकलते हैं बारिश आ जाती है यार। पिछली बार भी गोकर्णा गए थे तब व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, तब भी बारिश आई, पूरा रास्ता जाने आने में पूरा दिन बारिश हो रही थी। केरला गए उसके भी आप व्लॉग देखे होंगे, बारिश ही हो रही थी। कैसा, ठीक है? अच्छा है, खिला दो थोड़ा हमको भी, थोड़ा खिला दो, भूख लग गई रात के 3 बजे। बस बस बस, बढ़िया है। वो रेशमा खड़ी है उधर, किसी को जाना है तो जा सकते हो अंदर। हाँ अंदर ही जाओगे और बाहर कहाँ बैठोगे, ऊपर भी बैठ सकते हो। हाँ ऊपर नहीं दिखता मर्द का, मर्द का क्या दिखना जी क्या, जो भी है खुला दिख रहा क्या, तो है वो है। आ, छुपाने का कुछ नहीं क्या। चलो भाई ड्राइवर का आदान प्रदान हो गया है, अपना दोस्त श्याम सुंदर जी आ गए अभी ड्राइविंग। बढ़िया है ना, वो एक्चुअली वाला तो फील नहीं आ रहा है। अबे 10 लाख में घोड़ा थोड़ी मिलेगा, खच्चर ही मिलेगा। वो एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है, क्या हार्ड बहुत है। ओ भाई 25 लाख का गाड़ी, बहुत कड़क है थी। क्या कड़क है? गियर बारिश में 100 की स्पीड में चल रहे हैं भैया, आ गए धूम लेके वापस। देखो जा रहे हैं यार, अब आपको क्वालिटी कैसा दिख रहा है लेकिन देखो भैया को जा रहे हैं, देखो भैया रुक नहीं रहे भाई, देखो अभी 100 चल रहे हम भी लेकिन भैया 120 चल रहे हैं। गजब की नींद है रहे। ओम प्रकाश जी तो सब कुछ बेच के सो गए। हमें तो अभी थोड़ा रोक देना चाहिए, सवेर का सूरज देखना चाहिए। अच्छा सूरज भी नहीं है अभी, किधर है सूरज? बाबा तो आएगा अभी, 2 घंटे में आएगा ना, 4 बजे है। हम लोग भी ऑडा सिटी में एडास चालू कर दिया है, चल रहे हैं। अगर हम छोटा सा गांव में घुस चुके हैं, अब ये छोटा छोटा रोड है, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ कर्नाटका। अब पता नहीं ब्यूटी है या फिर ये छोटे छोटे खड्डे हैं, लेकिन जो भी है एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तो बहुत लंबा पड़ा है रास्ता, अभी होंडा सिटी को भी ऑफ रोड कर रहे हैं। हाँ होंडा सिटी से भी ऑफ रोड कर रहे हैं। थार वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। कितना अंदर से भाई, छोटा छोटा रोड है और छोटा छोटा गली है, छोटा छोटा घर है, सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, ये गाड़ी थोड़ा बड़ा दिख रहा था। अब पता नहीं ये रोड कितना लंबा है, उसके बाद हुबली से जो रोड आएगा वो भी ना कैसा है अभी कुछ आइडिया नहीं है भाई हमको। पिछली बार तो हम लोग हावेरी से लेफ्ट लेके सिरसी होके गए थे, लेकिन इस बार हुबली से लेफ्ट लेके यलापुर करके जो आता है ना, यलापुर घाट, वो रास्ता से जा रहे हैं। अब पता नहीं वो कैसा है यार, ये तो ना सिरसी जाना, गोकर्णा जाना, मतलब फुल ऑन ऑफ रोडिंग है। कोई थार लेके आओ भाई नेक्स्ट टाइम से, गोकर्णा जाना है तो छोटा मोटा गाड़ी में मुश्किल है भाई। लास्ट टाइम ऑल्टो में आए थे, हाँ इस बार होंडा सिटी में आए, थोड़ा बड़ा लेके आए भाई। मतलब लंबाई में बड़ा लेके आ गए, हम ये कंफ्यूजन कर लिए। स्कॉर्पियो भी रेस्ट में है, वो हाइट वाला गाड़ी लेके आना था, हम साला लंबा वाला लेके आ गए। देखते हैं भाई, अब पता चलेगा थोड़ी दूर जाएंगे तो। हाँ रोड यही है, ये कन्फर्म है। अब गाड़ी नहीं आ रहा है कोई सामने से, एक भी गाड़ी नहीं है, बिल्कुल सुनसान रोड है भाई, एक भी गाड़ी नहीं है आगे से ना पीछे से। लेकिन रोड ठीक है अभी यहाँ पे, जो पीछे बात कर रहे थे ना उसको छोड़े तो यहाँ ठीक है रोड। रेशमा भी थी, वो भी किधर चली गई? रेशमा वो हाईवे पे रह गई। रेशमा ये क्या रे, छोटा हाईवे बनाया थोड़ी देर तक, फिर वही रोड क्या? वो किसी दूसरे सरपंच का था, वो बना दिया, ये सरपंच बनाया नहीं। एक भी गाड़ी नहीं आ रहा है सामने से। अरे ये क्या छोड़ो, वो देख के ज्यादा डर लग रहा है। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इस रोड पे, सुनसान जंगल है बस। और वो भी आप बोल रहे हो 150 किलोमीटर तक ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, दिमाग खराब हो रहा है। किधर से, ऊपर से नीचे से, दोनों साइड से?
लेकिन वो यार मुझे कंफ्यूजन हो गया, अभी तो जो रोड था ना अच्छा वाला, वो सरपंच कहाँ से लेके आया पैसा, इसको नहीं मिला? मिला नहीं, गया नहीं होगा ये साला, घर पे सो रहा था। पूरा ऑफ रोडिंग है भाई, रोड क्या एकदम ही ऑफ रोडिंग। और अब देखो रोड ऐसा है, ऑफ रोडिंग चल रहा है, चल रहा है, इधर हिल रहे है उधर हिल रहे है, बाकी सब ठीक चल रहा है, बस चल रहा है, बस नहीं चल रही है, गाड़ी चल रही है भाई, क्या समझी? बस कहाँ चल रहा है, रेस्ट मां तो कभी का निकल गई, वो तो निकल गई। ओम प्रकाश जी उठ गया भाई, क्या ओम प्रकाश जी, मॉर्निंग मॉर्निंग हो गया तुम्हारा? हमारा हो गया, अभी तो घोड़े बेच के सो रहे थे, पूरा सेल हो गया, अमाउंट अमाउंट कहाँ रखा है? अच्छा ओ साला चेक पेमेंट कर दिया, घोड़ों का भी, अब क्या करेंगे, चना कहाँ से लाएंगे? चना वाला तो नहीं लेगा ना चेक, वो तो कैश लेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर, आरटीजीएस कर देंगे क्या? बैंक मैनेजर आ गए, बैंक मैनेजर खड़ा है भाई इधर, देखो ये खतरनाक वाले बैंक मैनेजर है साला, घोड़ी बाबा सी है बैठा दिया आजकल गजब ट्रेंडिंग डायलॉग चल रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पे ना, एक से बढ़कर एक। अंकल गुड मॉर्निंग, चाय देना, चाय कॉफी है? कॉफी नहीं, ओनली चाय, अदरक का चाय, कितना? अदरक का चाय, अदरक का चाय, चाय मस्त वाला किलो, बोलो पी के देखो अच्छा लगे तो पैसा दो। और गाड़ी भी, एक्चुअली हम लोग NH 52 पे आ चुके हैं, हुबली कारवार रोड पे, यहाँ से गोकर्णा ज्यादा दूर नहीं है, 123 किलोमीटर के आसपास है और 2-2.5 घंटे दिखा रहा है, ऐसा रोड रहा तो फिर कम ही टाइम लगेगा। एक्चुअली हम लोग पहले सिरसी से होके जाते थे, वो वाला रोड कुछ बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये रोड अच्छा लग रहा है मेरे को, हुबली से ये कारवार है NH 52, ये काला घटकी करके कोई गांव है भाई, वहाँ पे रुके हुए हैं, सामने तहसील है। बारिश का सीन सुन रहे थे, लेकिन अभी तक तो ठीक है भाई, अभी तक तो कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, ठीक ठाक है, आगे देखते हैं, 2-2.5 घंटे नहीं रहे, बाद में चाहे कितना ही बारिश आ जाए एक बार इंजॉय कर लेंगे अपन तो। भाई क्या शानदार नजारा है, सुबह सुबह ऐसा मिल जाए और क्या चाहिए भाई, सुकून वाली जिंदगी है भाई, जबरदस्त। और गाड़ी क्या सुंदर लग रही है ना यहाँ पे, अमेजिंग भाई, बहुत बढ़िया, जितना भी मैं बोल रहा हूँ उतना कम है भाई, जबरदस्त हरियाली है भाई, अभी तो सूर्य उदय नहीं हुआ है भाई, जैसे सूर्य उदय होगा ना और भी मस्त दिखेगा। वर्ड्स ही नहीं है भाई इसके लिए, इतना मस्त है ये रोड, आओ कभी भाई इस रोड को एंजॉय करने आप, हुबली से कारवार वाला गजब का रोड है भाई, और इसका जो हरियाली है ना इस पे देख ही रहे हो आप, मैं क्या बोलूँ अब, गजब है भाई, एक नेक्स्ट लेवल पे है ये भाई, हमको ये पता ही नहीं था, हम हमेशा हावेरी से लेफ्ट लेके सिरसी होके जाते थे, लेकिन ये भाई अलग ही लेवल का है भाई। अपन ऑलमोस्ट बीच में कहीं पहुंचे हैं, और इंद्रप्रस्थ करके एक होटल है वहाँ पे रुके हैं, डोसा वोसा कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, चलो फ्रेश हो चुके हैं और अब नाश्ता करते हैं, पीछे जो होटल है वहाँ पे भाई लोग ने ऑर्डर कर दिया होगा, नाश्ता करते हैं फिर शुरू करते हैं आगे की जर्नी, गोकर्णा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ी देर के बाद में शुरू करते हैं यहाँ से गोकर्णा की जर्नी।